क्वेश्चन नंबर 150 में आपको क्या बताना है कि 1 एंड 2 आर उसने दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, आपको L1 और L2 में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले तो हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है कि ये कंपाउंड प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। तो मैंने जब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें पढ़ाया था, आपको बताया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आते हैं तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ऐसा, मतलब फर्स्ट पाई बॉन्ड अगर आपका ये है तो सेकेंड वाला जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में बन रहे होंगे, है ना, और फिर जो थर्ड वाला होगा वो वापिस से इसी प्लेन में आ रहा होगा। यानी इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग यही है, कहना यही है कि आपका ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, ये दोनों सेम प्लेन में है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है, ठीक। तो अब अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, ये बीच वाला आउट ऑफ द प्लेन चला गया, वो पाई बॉन्ड को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मतलब वो आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये दोनों प्लेनर है, एक ही प्लेन में आ गए CH3 और ये H। तो ये जो डिस्टेंस है, ये अगर L1 है, ये क्या होगी, सिस हो गया ना, दोनों मॉलिक्यूल सेम साइड है, तो ये जो है ये क्या हो गया, ये डायगोनल डिस्टेंस हो गई, डायगोनल हो गई, मतलब L2 हो गई। तो डायगोनल क्या होता है, नॉर्मल साइड से बड़ा होता है, तो L2 ग्रेटर देन L1 आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर तो आ जाएगा आपका क्या, सी ऑप्शन। बट मान लो इसकी जगह पर अगर क्वेश्चन दूसरा होता, अब उसने ऐसे दिया होता है, ठीक है, दो ही पाई बॉन्ड होते, तब हम क्या करते, ये भी मैं साथ के साथ यही समझा देता हूँ। अब दो पाई बॉन्ड दे रखे हैं उसने, और दोनों के अगेन उसने क्या किया, L1 और L2 के बीच में रिलेशन पूछा है, ये आपकी L1 है, ठीक है, और ये आपकी L2 है। तो इस केस में अगर आप देख पाते तो आपको पता पड़ता है कि L1 और L2 दोनों सेम आता है, रीजन बिंग ये पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप इसको जब अच्छे से बनाओगे तो ये मान लो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ये CH3, और ये हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि ये दोनों एक ही प्लेन में है, जिस प्लेन में ये कार्बन है। तो अब आप दोनों में कैसे जाओगे, अगर आप यहाँ से यहाँ भी जा रहे हो ना, ये डायगोनली जा रहे हो, मतलब आप सेंटर से पास हो रहे हो और इससे ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अब इसमें अपन ऊपर की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहाँ भी डायगोनली है और इस केस में भी डायगोनली। तो जब E1 पाई बॉन्ड होंगे ना, तो L1 इक्वल टू क्या आएगा, L2 आएगा। जब ऑड पाई बॉन्ड होंगे तो L2 ग्रेटर देन L1 आएगा, क्योंकि L2 डायगोनली जा रहा है। क्लियर है आद्या? हाँ सर।